बिहार में विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू और विपक्ष के महागठबंधन के बीच विधान परिषद चुनाव का सेमीफाइनल मैच होना है। इस मैच का रिजल्ट काफी हद तक फाइनल मैच का रुख साफ कर देगा। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए इस मैच की तारीख चुनाव आयोग ने 6 जुलाई तय कर दी है। इसी के साथ सवाल खड़ा हो गया है कि बदले हुए सियासी समीकरण में अब क्या होगा। 75 सदस्यीय विधान परिषद में कुल 26 सीटें खाली हैं। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं, जिसमें एक सीट एक विधायक की मौत से खाली है। जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के पास 130 विधायक हैं, जबकि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन के पास 110 हैं। इसे सीपीआई माले के 3 विधायकों के अलावा एआईएमआईएम के विधायक का समर्थन भी मिल सकता है। फिलहाल जिन 9 सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें से बीजेपी के 3 और जेडीयू के 6 विधायक थे। विधायकों की संख्या के लिहाज से फिलहाल यही लगता है कि सेमीफाइनल के इस मैच में जीत महागठबंधन की होगी, क्योंकि राजनीतिक समीकरण के हिसाब से देखें तो इन 9 सीटों में से बीजेपी को 2, जेडीयू को 3 और आरजेडी को भी 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 1 सीट मिलने की उम्मीद है, यानी विपक्ष सत्ता पक्ष के 9 सीटों में से 4 सीटें छिटक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना।